सवाल: अगर इंसान को जन्म के साथ अपनी मृत्यु की तारीख भी पहले से पता होती तो क्या होता? तो क्या हुआ होता, लोगों को पहले ही मालूम है वो कब मरने वाले हैं, तो उस हिसाब से जिस तरीके का इंसान है उस हिसाब से उसके साथ घटनाएं होने वाली है। कुछ लोगों को पहले ही मालूम पड़ना उनका जीवन ही बर्बाद कर देता है, और कुछ लोगों के लिए एक प्रेरणा होती है कि मेरे पास इतना ही समय है तो सबसे जो प्राथमिकता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो शुरू करना है। कुछ लोगों के लिए वह डेट मालूम पड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अरे मुझे जीवन में करना क्या है, मेरे पास समय इतना ही तो मैं खाली दो ही काम कर सकता हूं, तो मैं दो कौन से चुनूं, दस में से दो कौन से चुनूं, तो वह उन्हीं कामों पर काम करने वाला है। और उसी तरह दूसरा एक पर्सन है जो सोच रहा है कि बहुत समय है, 80 साल जीने वाला, जल्दी क्या है, वो क्या कह रहा, जल्दी क्या कुछ भी करने को, ढीला पड़ते जा रहा है। तो एक को जीने का आनंद ही खत्म हो गया, उसको कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये जानकारी किसको मिलती है सारा कुछ इस पर डिपेंडेंट है। एक जानकारी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, वो किसको मिल रही है। एक पर्सन सीढ़ी बनाता है, एक सांप बना देता है, एक अभी रोज मरेगा, अभी मेरी डेट नजदीक आ रही नजदीक आ रही, उसको कोई मजा ही नहीं जीवन में, हर दिन मर रहा है वो, डर गया वो, मरने के पहले मरने लगता है डर की वजह से। तो वो जानकारी किसको दी जा रही। हाँ, कुछ और अनोखी बातें भी होती, शादी जब चल रही है तो जन्मपत्री मिलाते, तो वो डेट भी मिलाते, जो जल्दी मरने वाले उनकी शादियां करवाएंगे, दोनों का एक का ज्यादा एक का कम ऐसा नहीं रखेंगे, वो सब भी पत्री मिलाएंगे। मगर जो सिस्टम बना है वो बेस्ट है। इंसान सोचता काश ऐसा होता, काश वैसा होता, दो आंखें पीछे भी होती मगर परेशान हो जाता, दो दो टीवियां देखता एक साथ, कितनी मान्यताएं घुसती है दो आंखों से भी। जो है वो बेस्ट है, क्योंकि एक भी चीज जो बनाई गई है एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी चीज कम नहीं है, जो भी बनाया गया है बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हमें खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट। मैं डॉक्टर सरिता बुटे, मैं हिंगनघाट से आई हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मेरे दो भाई, मम्मी पापा, और वो लोग ऐसे पहले से ही बहुत ज़्यादा उनको स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट था, तो मेरा ऐसे कंसेप्ट था कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे ये समझ में नहीं आएगा शायद, या फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे लगा ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, इट वॉज़ वेरी सिंपल सिस्टमैटिक और बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया। तो ऐसा लगा ये पहले ही पता होना चाहिए था, शायद पहले ही पता चलना चाहिए था तो बहुत यूज़ होता था। और जो फीलिंग्स थी बहुत अच्छा लगा, सुकून, जो हमने जो आई क्लोज करके आपने जो बताया कहने को, तो बहुत ही ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि आई एम नॉट द सेम एज माई बॉडी, ये फीलिंग तो आई। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट।